दोस्तों, मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। यूं तो हमारे भारत देश में काला जादू बैन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए इस जादू का उपयोग करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको काले जादू से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें बताई थी, आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही स्थानों के बारे में बताएंगे जहां आज भी काला जादू किया जाता है। असम का ये छोटा सा गांव गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इस गांव को काले जादू का गढ़ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत इसी गांव से हुई थी। यहां के हर एक घर में काला जादू होता है और यहां तक के आसपास के गांव वाले इस गांव का नाम लेने से भी डरते हैं। दुनिया भर में काला जादू सीखने और इस पर रिसर्च करने के लिए लोग यहां आते हैं। यहां पर आने वाले अधिकतर लोग काले जादू से बीमारी को दूर करने या फिर किसी पर काला जादू करवाने के लिए आते हैं। इस गांव में बूढ़े मायोंग नाम का एक स्थान है जिसे काले जादू का केंद्र माना जाता है। यहां पर शिव, पार्वती और गणेश की तांत्रिक प्रतिमा है जहां सदियों पहले नर बलि दी जाती थी। यहां यौनी कुंड भी है जिस पर कई मंत्र लिखे हुए हैं। माना जाता है कि मंत्र शक्ति के कारण ये कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है। मायोंग में काला जादू पीढ़ियों से चल रहा है और यहां के लोग काले जादू का उपयोग केवल समाज की भलाइयों के लिए करते हैं। कोलकाता के निमतला घाट पर काला जादू करने के संकेत मिलते हैं। आधी रात के समय यहां पर अघोरी आकर तंत्र साधना करते हैं। चिता के जलने के बाद वे बचे हुए मांस को खाते हैं और इसे शक्तियां पैदा करने के लिए जरूरी मानते हैं। उनका कहना है कि वह काला जादू शिव भगवान और काली माता को खुश करने के लिए करते हैं ताकि वह उन्हें और ताकतवर बना दे। उड़ीसा के कुशभद्र नदी के किनारे काला जादू किए जाने के प्रमाण पाए गए हैं। यहां तक कि कई लोगों पर हमले होने की खबरें भी आती रहती हैं, लेकिन इस बात का अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जब यहां छानबीन की तो यहां ऐसी कई चीजें मिली जिनसे साफ पता चलता है कि यहां काला जादू किया जाता है। यहां 20 से ज्यादा नर कंकाल और हड्डियां भी पाई गईं। साथ ही यहां पर जानवरों की खोपड़ियां, फूल और कपड़ों के टुकड़े भी पाए गए। पुराने हैदराबाद के ये स्थान अंधविश्वास और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। यहां पर अक्सर लोगों ने काला जादू को अपना पेशा बनाया हुआ है। वह दावा करते हैं कि लकड़ी की गुड़िया की पूजा करके वह उनकी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। केरल में स्थित पेरिंगो टुकारा नाम के इस गांव में भी काले जादू किए जाने के प्रमाण मिले हैं और यहां कई टूरिस्ट काला जादू देखने आते हैं। यहां चट्टान और कुटिचटन को विष्णु का अवतार माना जाता है जो भैंस की सवारी करते हैं और जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं। यहां पर पुजारी चट्टान को पास रखकर तरह तरह की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, भारत में काला जादू किए जाने वाले इन स्थानों के प्रति आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही यूट्यूब के बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।